अक्सर महिलाओं को पीरियड्स के टाइम पर काफी प्रॉब्लम होती है। कई महिलाओं को पीरियड्स की डेट दो दो महीने छोड़कर आती है, तो कई महिलाओं को 21 दिनों के अंदर ही पीरियड्स की डेट आ जाती है, जिसे महावारी कहा जाता है। अनियमित महावारी हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर आप भी इस परेशानी से ग्रस्त हैं, तो आपको जानने की जरूरत है कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप इस परेशानी से अपने आप को बाहर निकाल सकती हैं। तो आइए मैं आपके दोस्त आपको बताऊंगी अनियमित महावारी से बाहर निकलने के कुछ घरेलू उपाय। टिप नंबर 1, तिल। सफेद तिल को रात भर पानी में भिगो कर रखें और सुबह उठने के बाद उसे छान लें। इस पानी को आप आधा आधा करके आधा सुबह और आधा शाम को पिएं। अगर आप इस पानी का सेवन नियमित रूप से करते हैं, तो आपकी महावारी की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। टिप नंबर 2 है जीरा। जीरे का सेवन करने से आपका मासिक धर्म तो ठीक होगा ही होगा और समय पर भी होगा, साथ ही साथ उस समय पर जो बहुत ज़्यादा दर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। आप अगर चाहें तो जीरे के अंदर शहद मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको दर्द भी कम होगा, साथ ही साथ डेट भी टाइम टू टाइम आएगी। टिप नंबर 3 है पपीता। पपीता एक ऐसा तत्व है जिसका सेवन करने से हमारे शरीर को काफ़ी ताकत मिलती है। पपीते के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तत्व भी पाए जाते हैं, इसीलिए अगर आप पपीते का सेवन नियमित रूप से करते हैं, तो भी आपको मासिक धर्म की अनियमितता से काफी आराम मिलेगा। टिप नंबर 4 है गुड़हल का फूल। गुड़हल के फूल का इस्तेमाल करने से भी आपको काफी फायदा मिलेगा। गुड़हल के फूल को सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर रोजाना एक चम्मच पानी के साथ सेवन करें। ऐसा करने से शरीर के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा संतुलित होती है, जिसकी वजह से पीरियड्स की अनियमितता ठीक हो जाती है। नंबर 5 है तुलसी। पीरियड्स की अनियमितता को दूर करने के लिए तुलसी के एक चम्मच रस के अंदर एक चम्मच शहद मिलाकर उसका सेवन करें। ऐसा करने से आपकी डेट टाइम टू टाइम आएगी। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जिनका इस्तेमाल करके आप पीरियड्स में होने वाली अनियमितता को दूर कर सकते हैं। इन्हें आजमाइए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।